हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं माने शिवसैनिक, महाराष्ट्र में किया हंगामा, शिंदे समर्थक बने निशाना। महाराष्ट्र की राजनीति में हुई ऐतिहासिक बगावत पर नेताओं की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया के आसार हैं। एक ओर जहां आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, वहीं एकनाथ शिंदे और दो निर्दलीय विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिरवाल पर उद्धव के का पक्ष लेने के आरोप लगाए गए हैं और उन्हें हटाए जाने की मांग उठी है। शिंदे समर्थक विधायक के दफ्तर में शिव सैनिकों ने मचाई तोड़फोड़। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। खबर है कि एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक 58 वर्षीय तानाजी शिंदे के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, साथ ही उनके कारोबार को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत ने धमकी दी थी कि शिव सैनिक भड़क गए तो आग लग जाएगी। संजय राउत के तीखे बोल। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अब बागी विधायक एकनाथ शिंदे को खुलकर धमकी दे दी है। उन्होंने कहा, आप एक विधायक हैं इसलिए आपको सुरक्षा मिली है, आपके परिवार के सदस्यों को वैसी ही सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सलाह दी है कि हमें पता है कि एक बार विधायक मुंबई वापस आएंगे तो वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस को सलाह देता हूं कि इस मामले में ना पड़े और जो कुछ गरिमा बची है उसे बचाएं। हम एक दूसरे को चुनाव में देखेंगे। बागी विधायकों की नई सूची जारी। एकनाथ शिंदे को 38 का समर्थन। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से 38 विधायकों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा वापस लिए जाने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।